हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। एंड आज फर्स्ट में है और आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो मैं बस इसीलिए आज ब्लॉग बना रही हूँ। आज मैं ब्लॉग बनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। एक्चुअली कल मेरे भाई का, जिसको कि आप लोग जानते भी हो, मेरे दादा का बर्थडे था, लेकिन वो यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ हुआ था, लेकिन मैंने वो भी शूट नहीं किया क्योंकि कल मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी। लेकिन आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और आज 1 जून है, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है सारिका दीदी, जिनका नाम आप लोगों ने अक्सर मेरे मुंह से सुना होगा, बिकॉज सी इज़ वेरी क्लोज टू मी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और सी इज़ वेरी स्वीट। और कल उनकी बेटी का बर्थडे है। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड गॉड ब्लेस यू बेटा। आई होप अपनी लाइफ में आप सारी चीजें अचीव करोगे जो आप करना चाहते हो। एंड ये रही उसकी पिक्चर, सो प्लीज आप लोग भी उसको विश कर देना। और अभी एक्चुअली सुबह से मेरी क्लासेस हो रही थी और अभी मैं फ्री हुई हूँ। एक्चुअली अभी 2 बजे हैं, मैं जस्ट अभी नहा के हेयर वॉश वगैरह करके आई हूँ। और 3 to 4 मेरी फिर से क्लासेस हैं, तो इस 1 घंटे के बीच में मुझे मम्मी के लिए केक बनाने की प्रिपरेशन करना है, क्योंकि उस बैटर को थोड़ी देर रखना होगा, उसके बाद फिर वो होगा। तो जल्दी से किचन में चलते हैं और केक बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चले चलते हैं किचन में। और गाइस लॉकडाउन की वजह से घर पे बहुत सारी चीज़ें भी नहीं हैं और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि घर पे क्या है क्या नहीं है, तो किचन में ढूंढते हैं। आई होप एक बिस्किट मिल जाए, चॉकलेट वाले, या फिर रवा। आई थिंक रवा तो हो गई। और ये रही मेरे मम्मा पापा की फोटो। सो गाइस फाइनली आई गॉट दिस रवा का पैकेट। आधा पैकेट ही है लेकिन काम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Guys, मैंने यहाँ पे बैटर बना के रख दिया है और ये किट के लिए सामान वगैरह भी निकाल दिया है। ये बेकिंग सोडा, वेनिला एसेंस और केवड़ा वाटर और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल के रख दिए। एक्चुअली मैं टूटी फूटी और कुछ सामान ढूंढ रही थी, लेकिन चूँकि यहाँ पे मैं रहती नहीं हूँ और मम्मी केक वगैरह बेक करती नहीं है, तो केक का बहुत सारा सामान नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं होने पर भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ का जो भी करना था वो हो गया। अभी चलते हैं जल्दी से क्लास लेने, क्योंकि 3 बज गए हैं, मेरी क्लास शुरू हो गई होगी। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मेरी क्लास 3 o'clock से थी और मैं 3:20 पे आ रही हूँ, बस अटेंडेंस ना हुई हो। पता है क्या हुआ अभी, मैं वहाँ से इतना तेज से भाग के आई कि मैं लेट हो गई हूँ और यहाँ आके पता चला कि क्लास कैंसिल हो गई है, मैम ने मना कर दी क्लास लेने से। मतलब मैं टेंशन में आ गई थी, अटेंडेंस हो गई होगी, मैं एबसेंट हो गई होगी। और बाहर बहुत अच्छा बारिश का मौसम बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल नहीं चाहते कि बारिश के मज़े हम लें। जब बारिश होती है ना तो लाइट चली जाती है, फिर हमारा सब कुछ बंद हो जाता है। गर्मी का क्या है। गाइस आधे घंटे हो गए हैं और मैंने यहाँ पे आकर के ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके रख लिए हैं। अब बस बैटर में सारी चीज़ें फटाफट से मिलाते हैं और उसको पकने रखते हैं। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. और अब ये जाएगा इस कुकर के अंदर। तो गाइस फाइनली मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। और एक राज की बात बताऊं, मुझे भी कंफर्म नहीं है कि केक अच्छा बनेगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, कहीं लास्ट टाइम मेरा पोपट ना हो जाए। A few moments later. गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे क्यों आई, ये पक गया क्या? नहीं अभी ये पका नहीं है। एक्चुअली मेरे खुराफाती दिमाग को थोड़ा सुकून नहीं मिल रहा है, तो मैं इसे चेक करने आई हूँ कि ठीक से बन रहा है कि नहीं। ये देखिए गाइस ये बाहर नहीं आया। एक्चुअली मुझे ये लग रहा था कि मैंने बैटर ज़्यादा कर दिया है उसमें, तो वो बाहर ना आ गया, बट नहीं वो अच्छे से पक रहा है। ये ग्रेट सक्सेस।
गाइस मेरी आंख लग गई थी, पता नहीं कैसे होप्स होगी केक जल नहीं गया हो। मम्मी तो नहीं है ना, मम्मी को पता नहीं है अभी तक कि मैंने केक बनाया है। ये केक नहीं चला, मैं टाइम पे आ गई और एक्चुअली गैस बंद है, एक्चुअली मैंने उसमें टाइम सेट कर दिया था इंडक्शन पे रख के, तो ये अपने आप बंद हो गया था और ये ठंडा भी हो गया अभी, इसलिए मैंने अपने हाथ से इसे पकड़ रखा है। और बाय गॉड ये बहुत अच्छा पका है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, बस निकाल के देखते हैं कि होप सो ये अच्छे से निकल भी जाए। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. अब तो पक्का नीचे कर लेंगे, बहुत अच्छा बना है। ओपन योर माउथ। Happy birthday to you. आपके लिए चाकू उपलब्ध है और दूसरा चाकू उपलब्ध नहीं है। टेबल में पैसा रखा था तो वही उठा कर के मम्मी को दे रहा है। बहुत बढ़िया मम्मा। और मैंने इनको बहुत लड़ झा करके तैयार करके केक कटवाया है। ये नौटंकी कर रही थी ना, कर रही थी ना, बोलो हाँ कर रही थी, मानो सबके सामने अपनी गलती कर रही थी। और एक्चुअली हम लोग ने बहुत जल्दी जल्दी सेलिब्रेशन किया क्योंकि यहाँ पे लाइट आ जा रही है और हम लोगों के 3 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं वीडियो बनाने का और जैसे ही कैमरा ऑन करते लाइट गुल जाती है, तो अभी लाइट है तो ये बहुत अच्छी बात है, वीडियो बन रहा है। बाय गाइस, आखिर जाना ही था लाइट को। तो गाइस लाइट जा चुकी है और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। वी विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन आत्या, बाय गाइस। अरे गाइस इस तरीके से दे रहा है कैमरा टाइप एंडिंग करने के लिए। बाय गाइस।